सो गाइज, अभी मैं आपको सुभानशिरी हॉस्पिटल, जो पीजी हॉस्टल है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश का, वो आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो पीजी स्कॉलर्स हैं उनका लाइफ कैसा है, ठीक है। और ये अभी मेरे फ्रेंड का रूम है, मैं इसमें एंट्री करने जा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ। यहाँ सफाई कर रहा है और ये बैठा है तंजीम, और ये हमारे जो सीनियर हैं विमन डे भैया है, और बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट से ये दोनों ये लोग। केमिकल है। ओह सॉरी, ये केमिकल से है और ये बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट से है। तो रूम देख लो, अब लड़का है तो नहीं, फिर भी बहुत सुंदर है यार रूम तो। ये लड़के लोगों का रूम ऐसा नहीं मिलता नॉर्मली, बोले जुगाड़ी बहुत होते हैं लोग। अरे क्या किया, मैं तो आज पहली बार देखा हूँ, देखो ये अला सर के ऊपर ही फैन लगा दिया। जब इंजीनियरिंग के है तो कुछ तो यूज करेगा। तो अभी ये हमारे जो भैया हैं जाने वाले हैं, अराउंड 2 महीने बाद ये लोग ये चले जाएंगे पीएचडी सबमिशन करके। डॉक्टर बन जाएगा तो चीज ना, मतलब से मेरे तो वर्ड्स निकल रहे हैं, सब निकल रहे हैं, सब देखो, स्टेशन ये निकल रहा है। मेरा जो फ्रेंड तंजीम है, अभी कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा पीएचडी में आने के बाद, और एनआईटी का कुछ बताएगा। बोलो। एनआईटी जो है मतलब वो तो इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस है ना, इसमें हर तरह का सुविधा मिलेगा आपको, जो आप करना चाहते हो वही मिलेगा, ठीक है। हर एक लैब फुल्ली इक्विप्ड है, ठीक है, सब चीज है, फैकल्टीज आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वाह, ठीक है। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है, और लैब का क्या है आपका? लैब में सब लैब तो इंस्ट्रूमेंट बहुत है? बहुत सुंदर है, लैब हम लोग का सब कुछ है। फर्स्ट सो अगर कोई यहाँ पे टाइम बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा अच्छा फैकल्टीज है। रियलिटी बताना है, मतलब ऐसा नहीं कि बाद हाँ, में आप गाली पड़े नहीं नहीं आपको। गाली तो नहीं पड़ेगा, वो कुछ समझ जाएगा ना जब आएगा। ये इनडायरेक्टली आप बोलना क्या चाह रहे हैं? कहना वही चाहते हैं, समझदारों को इशारे काफी होता है। इट मीन्स ओवरऑल ये है कि अपना एनआईटी जो है बहुत अच्छा है, और एनआईटी का बहुत अच्छा लैब्स जो है और फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, लाइट फैसिलिटीज़ और वाईफाई फैसिलिटीज़, ओवरऑल एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। और अभी हमारे जो सीनियर हैं विमन भैया, ये पीएचडी सबमिशन करने जा रहे हैं विद इन 2 मंथ। एनआईटी ये में थोड़ा होता अपना है पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो तंजिम ने जो बोला है, पता नहीं वो कौन सा हॉस्टल में वो रहता है। मेरा हॉस्टल थोड़ा अलग है और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है, लाइक तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी को कि पहले रिसर्च करने का, पहले पहले आप इंस्टीट्यूट का बारे में रिसर्च कर लो, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ओ, इट मींस फर्स्ट यू हैव टू रिसर्च अबाउट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट देन यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी। या बिकॉज जो अगर एक बार सेलेक्ट हो गए पीएचडी में और फिर इंस्टीट्यूट के बारे में आपने पता अगर नहीं किया तो आपके साथ क्या होने वाला है यू कांट इमेजिन। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? कुछ तो ऐसा कोई। समथिंग समथिंग हैपन। अभी नदीम तुम बताओ, तुम तो पीएचडी स्कॉलर हो, ठीक है, कितना महीने से लैब गए हो? एक्चुअली मेरे को ना यहाँ पे 1.5 साल हो गया आए हुए, मैं 2020 अगस्त में यहाँ पे एडमिशन लिया था, और 1.5 साल हो गया आज तक वो लैब इंस्टॉल नहीं हुआ, मैं इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल होने जा रहा था वो अभी तक कुछ नहीं हुआ, और मैं भी सिर्फ केबिन में बैठता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ। 1.5 साल हो गया है, उससे आगे कुछ नहीं हुआ है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। और तुम्हारा? मैंने जैसे अभी कर लिया, कर लिया, खत्म हो गया ना? पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, पीएचडी का यहाँ पे एक चीज़ और है, आप कहीं एनआईटी या आईआईटी में जाओगे तो पीएचडी आप 5 ईयर से पहले आप नहीं ले सकते डिग्री, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है आपके पास, अगर आप अच्छे से काम करेंगे विद इन 2.5 ईयर्स और फिर या 3 ईयर्स, 3 ईयर्स आप अपना डिग्री लेके जा सकते हो, बट देट इज डिपेंड ऑन योर हार्डवर्क। परफॉर्मेंस। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो 3 साल में आप अपना पीएचडी भी ले सकते हैं। तो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरे को एक शर्ट गिफ्ट करने वाला है, लेकिन अब होना क्या है, वो मेरा जो सीनियर है उस शर्ट को वो मांग रहा है, और मेरा फ्रेंड इतना बेशरम आदमी है ना, बोल रहा है कि तुम्हें नहीं दूंगा मैम। वाह, व्हाट अ सेक्सी शर्ट यार। फॉर्मल शर्ट है तो ये, थोड़ा बहुत ठीक है, परफेक्ट है, फॉर्मल हमको नहीं चाहिए भाई, हमको कैजुअल चाहिए, जैसे कि ये सब, ये हो ये सब रहा ले ले, वो चाहिए थोड़ा ही। एक फ्रेंड का बेड ये है, एक नया भाई साहब क्या बेड है यार। और अभी थोड़ा आउटसाइड व्यू दिखा देता हूँ आपको, क्या बोले, लोकेशन तो बहुत अमेजिंग है। मतलब ये आपका जो दिख रहे हैं ये वाला हॉस्टल सामने, ये लोहित हॉस्टल है, बॉयज़ लोहित हॉस्टल बीटेक। और ये सामने जो ये दिख रहे हैं ये वाला,
ये लोहित गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे बैचलर्स और मीन्स यूजी पीजी पीएचडी सब लोग रहते हैं वहाँ पे। देखिए बेलकनी, अच्छा बाल को सेव करके पहले पूरा बदल के बाल का